सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 27 तारीख है और समय बज रहा है अभी 10:40 और हम निकल रहे हैं यहाँ से काजा से। रूम टूर मैं आपको करा देता हूँ कि रूम कैसा था और व्यू कैसा था और क्या प्राइसिंग थी। ये देखो अपना रूम था, यहाँ से आपको व्यू दिखेगा, पहाड़ों में भी बादल छाए हुए देख रहे हो। ये रहा अपना रूम, यहाँ बेड लगी हुई थी, 3 कंबल प्रोवाइड किया गया था मेरे रात में ठंड के लिए, एक एक्स्ट्रा बेडिंग यहाँ पे, और चिमनी लगी हुई है यहाँ पे नीचे में तो हीट होती है। ये फ्रीज, इधर से भी व्यू मिलेगा आपका सतलज रिवर का और माउंटेन का। यहाँ से निकलते ही यहाँ देखो हमने अपना जैकेट वगैरह सजा के रखा है। व्यू है इधर, दीदी अपना पानी जम गया तो वही साफ कर रही है ताकि पाइप ना फटे। यहाँ वॉशरूम भी है देख लो, बहुत सही वॉशरूम है। देखो ये इंडियन स्टाइल या वेस्टर्न, दो ऑप्शन है आपके पास। और हम रुके थे सोनम होम स्टे में और व्यू भाई लाजवाब है यहाँ से। तो रूम का भैया पड़ा हमें 800 रुपये, 800 में आपका सुबह का ब्रेकफास्ट साथ में चाय और लंच शामिल है, रात का डिनर भी, और क्या चाहिए। ये सब चीज़ें लंच अगर नहीं मिले तो डिनर और ब्रेकफास्ट आपको ज़रूर मिलेगा और घर जैसा खाना होम कुक्ड मिलता है। तब हम निकलते हैं यहाँ से आज, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते। आगे बादल किया हुआ आज, यानी कि स्नो हो रही होगी, तो होगा तो आपको दिखाएंगे। चलिए -10 -13 ऐसा ही है टेम्परेचर अभी काजा में। तो अब निकलते हैं, थोड़ा काजा मार्केट आपको दिखा दूंगा। एक बात है, कार्बोरेटर है, 4 साल पुरानी व्हीकल है, फिर भी गाड़ी एक बार में स्टार्ट होती है। तो बाइक कोई भी हो, उसको मेंटेन रखोगे, प्रॉपर केयर करोगे तो बाइक कभी धोखा नहीं देगी आपको। यहाँ पे आपको स्टेइंग ऑप्शंस बहुत मिलेंगे, हॉस्टल है, मॉस्टैच है, होम स्टेज है, पर मैं यहाँ रुका था, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा। पर मैं अभी विंटर पे आने के टाइम रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग बहुत आसान सोच रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक तो माइनस में टेम्परेचर हो जाता है, ऊपर से आप टॉयलेट नहीं कर पाओगे, यानी कि आपको ड्राई पिट में करना होगा। दीदी लोग झाड़ू लगा रही है, थैंक यू दीदी, तो झाड़ू लगा रही है। और पीछे पुलिस स्टेशन आपको पता होना चाहिए। हाँ यहाँ पे ठीक पुलिस स्टेशन है पीछे में, गाड़ियों का साइड देना पड़ता है क्योंकि पतला रास्ता है। थोड़ा सा टीना में लग गया, तो इतना तंग रास्ता। और पेट्रोल पंप से जस्ट ठीक नीचे उतरोगे, एक ही पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से जस्ट ठीक नीचे उतरोगे तो आपको यहाँ पे नीचे में सीधा रहने वाला होम स्टे मिल जाएगा आपको। तो काजा को अब अलविदा, अभी बहुत जैसे अभी उतरना होगा, फिर नाकों में फिर चढ़ाई होगी, तो इस तरह से भैया होगा अभी। तो यहाँ पे सीधा देखो आप, ये मठ है, ये रहा पेट्रोल पंप, आखिरी पेट्रोल पंप है।
जूले जूले फ्रॉम काजा। पूरा स्नो था देखा आपने गाड़ी में। तो बाय बाय काजा, फिर मिलेंगे जल्दी। एक हाथ में ग्लव्स नहीं पहना है, ग्लव्स पहनना पड़ेगा। गोप्रो ऑपरेट करने में टेंशन लगता है, इसीलिए ग्लव्स नहीं पहना था। यहाँ पे अपने बिहार झारखंड के वर्कर्स बहुत है जो काम करते हैं बीआरओ में भी और ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम भी। यहाँ घर बनाना बहुत महंगा है, एक रूम आपको 5 से 6 लाख रुपए रूम का पड़ता है, बाथरूम का तो भूल ही जाओ। पहाड़ों में हमेशा चढ़ने वालों को प्रायोरिटी मिलती है तो उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। ताबो से जस्ट ठीक पहले ये देखो सतलज का पानी कितना नीला दिख रहा है। तिब्बत से ये सतलज रिवर उद्गयमान होती है, यानी कि ओरिजिनेट होती है और हिमाचल उत्तराखंड होते हुए आगे को जाती है। वो अभी वो मोनेस्ट्री जो है वो 11 किलोमीटर लैंडस्केप देखो पूरा चेंज हो गया। वही मैं दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे हल्के हल्के ग्रास लैंड्स है और स्ट्रेट रोड है, ट्रेचरस रोड था अभी बीच में वो पार हो गया। वहाँ मैंने व्लॉग नहीं किया बिकॉज वहाँ शूटिंग स्टोन्स गिरते हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर रोक के व्लॉग करूँगा और दिखाऊँगा तो दिक्कत हो जाता। पत्थरों के कलर देखो, ये नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो ट्रीज हैं पत्तियां इनकी पीली हो गई है, हरी पत्तियां थी पीली हो गई है तो मस्त लगता है। तो ताबो 10 किलोमीटर, इसके बाद सुमडो आएगा। सुमडो चेक पोस्ट है पहला, इधर से वो करीब करीब 30 किलोमीटर होगा। यहाँ से ताबो पार करने के बाद 30 किलोमीटर और सुमडो चेक पोस्ट। समय अभी 12 बज रहा और हम ताबो पहुँच गए। एप्पल्स ले जा रहे हैं लोग, ये शिमला से आया होगा एप्पल्स, स्पीति एप्पल ताबो का, ये पैक होके मार्केट में डिलीवर होने के लिए जा रहा है। ये गोरैया चिड़िया बहुत सारी अपने तरफ तब दिखती ही नहीं है,
देखो नीचे ग्रीनरी कितनी है, वहां देखो झूले झूले, एक तरह से हेलो हो गया। और ताशे दिलक मतलब भाई, पहाड़ों पे आप जाओगे ना तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, खासकर गाड़ियों की तरफ से। ऐसा नहीं होता है कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले, वो रास्ता देते या स्लो कर देते आपके लिए। तो इन रिटर्न आपको भी वही करना है। मेरा एक मानना है, एक बात मानना है कि आप जब अपनी स्टेट से निकलते हो और दूसरे स्टेट में जाते हो तो ये मत सोचना कि आप बस आ गए। आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, अच्छा बुरा जो भी होगा वो उनसे लोग, एक जो यहाँ के लोग होते हैं या कहीं पे भी होंगे, वो एक अंदाज़ा लगाएंगे कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल झारखंड से, तो लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि झारखंड के लोग कैसे होते हैं। अगर मैं बुरा बर्ताव रहेगा मेरा, सतलज रिवर है ये, अगर मेरा बुरा बर्ताव रहेगा तो फिर सही नहीं है ना, इम्प्रेशन ख़राब पड़ेगा। इम्प्रेशन ख़राब क्यों करना? अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, ना कि अपनी स्टेट को। कंट्री पहले आती है फॉरमोस्ट, तो एक इम्प्रेशन पड़ना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आप पॉजिटिव रखें, बाकी दुनिया में गोलमाल करने वाले, धोखा देने वाले, ये सब लोग बहुत है। जो लोग बदमाश है, जो लोग बेईमान है, वो करेंगे, उनको आप सुधार नहीं सकते। पर आप अगर, आपके अंदर अगर आपसे अगर बेईमानी नहीं होती है, आप सीधे हो, आप वैसे ही बने रहो। तो ये एक फलसफा है, ये इतने सालों के सफ़र में मैंने सीखा है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उनको हैंडल किस तरह से करते हैं, आपकी संगत किन लोगों के साथ है। तो चलो टाबो मोनास्ट्री आएगा, वो मैं गली वाला आपको दिखाऊंगा कि टाबो के बाद क्या है और कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। मैं कैमरा थोड़ा ऑफ करता हूँ। तो टाबो हमने क्रॉस कर लिया, अब सुमडो चेक पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम। यहाँ से दिखा रहा है डुरलिंग हुरलिंग 13 किलोमीटर। ये देखो पहाड़ी गाय और याक, द ब्यूटिफुल एंड मैग्निफिसेंट याक। हेलो, ये एप्पल ट्रीज लगी हुई है देखो राइट साइड में अपने। व्यू देखो, व्यू मैग्निफिसेंट व्यू। एक बज रहा है और अभी मैं सुंडो चेक पोस्ट पहुँचा हूँ। यहाँ पे आर्मी का कैंटीन है और कैंटीन में हम खा रहे हैं समोसा, जलेबी और चाय। और जो सर्व कर रहे हैं पता है वो कहाँ से? वो अपने दुमका से। भाई आपका नाम बता दीजिए। शत्रुघ्न का पे है सर। शत्रुघ्न जी है। और आपने, हम लोग अपना खोटा भाषा जो उधर चलता है उसमें बात कर रहे थे अभी, काफी अच्छा लगा कि इतने दूर आके अपने तरफ के लोग मिलते। क्या भैया आपको ये भी उम्मीद नहीं कर रहे कि सोचे कि रेंट का बाइक में लेके आया हूँ। तो अभी यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे आप सुंडो में आप ट्राई कर सकते हैं। कितने से कितने बजे खुला रहता है ये सर? 6 बजे सबका, 6 बजे तक, शाम का 6 बजे तक। तो सुबह से 6 से शाम का 6 बजे तक खुला रहेगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और रेट काफी रिजनेबल रहता है। क्या प्राइस है? 10 रुपये पीस। तो इतना, इतने ऊपर में आपको 10 रुपये पीस समोसा मिल रहा है तो और क्या चाहिए। चलिए तब मिलते हैं फिर समोसा वमोसा खा के। अरे भैया दुमका के लोग बहुत देखते हैं वीडियो, तो इनको शत्रुघ्न जी को देख लीजिए, यहाँ पे अभी पोस्टेड है सुंडो में। चलिए, तो अभी हम पू वाले रास्ते में, सबसे ट्रेचरस रोड है कि बीच में ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा, ऑफ रोड और टायर्स इतने स्किड कर रहे हैं ना। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है,
देख रहे हो ना रोड कितना खराब है, बहुत ज़्यादा ट्रेचरस रोड था है ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चलता है। रोक दिया उन्होंने, यहाँ पे आपको पत्थरों की भरमार मिलेगी और ये पूरा स्टोन गिरता रहता है अभी तो, यार रुकना सही नहीं होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा पास मांगा था, उन्होंने दे दिया। फिर नीचे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी क्योंकि जब मैं आ रहा था तो यहाँ से शायद पक्की रोड मिल जाए। हाँ देखो रोड बन गई है, इस पर भी आप लॉन्ग टर्न ही लेना होगा आपको, शॉर्ट टर्न आप नहीं ले सकते क्योंकि उधर से भी गाड़ियाँ आती है। अब उतरना होगा, ये सब चीज़ों से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। संडो चेकपोस्ट से जो है, सुंडो चेकपोस्ट से ये पू का जो रास्ता है ये भी अच्छे एल्टीट्यूड पे है, तो अभी 4 बज रहा है ऑलमोस्ट। संडो में एक चेकपोस्ट आएगा जब काजा से आएंगे, वहाँ पे बाइक नंबर लिखी जाती है आपकी। ये फ्रेश बना है क्योंकि कल जब हम लोग परसों तरसों आए थे तब ये रोड नहीं बना था, सिर्फ बन रहा था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कहावत है प्रचलित है, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, सो बी ऑन योर ओन लिमिट्स, ऑलवेज बी अलर्ट एंड ड्राइव सेफली। फ्रेश आइस है देखो, आपको आइस दिख जाएंगे। अभी नाको विलेज आया, अभी नाको, वेलकम टू नाको विलेज, राइट साइड जाने से नाको आएगा। मलिंग चेक पोस्ट एक आएगा अभी, राहुल भाई का कोई आता पता नहीं है सुबह से जब हम साथ निकले थे। मैं बहुत देर वेट किया उनका सुंदर चेक पोस्ट पे, पर मैं सोचा कि आप जाना इधर सही रहेगा क्योंकि वो आ भी जाएंगे, वो उनको भी पता है। अभी जैसे बाइक आ रही है गाड़ी तो इसको देने का होता है हमेशा टर्न, और एकदम लंबा टर्न ले तो ये नियम है क्योंकि जो ट्रक है वो या कोई भी कार है वो बहुत लंबी टर्न लेके ही आएगी। देखो यहाँ से आए फिर छोटा स्पेयर लेंगे और अपने लेन पे रहेंगे बस, ये जब उतरते टाइम वैसे और चढ़ने टाइम वैसे, तो ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो रोड को उसी तरह से अपने, वरना क्योंकि ये वन साइडेड रोड है दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती है, तो अगर आप उसमें भी लंबा लेके आओगे तो फंस सकते हो। तो ये व्यू है देख लो, यहाँ से पू अभी 36 किलोमीटर है। पहाड़ों पे गाड़ियाँ एकदम कोने पे खड़े करो ताकि लोगों को दिखे। तो भाई असली एडवेंचर अब शुरू हुआ है। पू का रास्ता देखो ऑफ रोड है पूरा, 10 किलोमीटर है पू अभी यहाँ से। उस राइट वाले पहाड़ से मैं आया था, यहाँ कुछ नहीं, बस भाई धीरे धीरे अपना चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है ये छोटा सा पैच होगा,
पहाड़ों का रंग देखो यार चेंज हो गया और बंजर हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है यहाँ पे, तो इसलिए। और पूरा शूटिंग स्टोन एरिया, यहाँ तो रुकना ही सही नहीं है, हाँ जब तक आपको टॉयलेट ना लगे। ये देखो पत्ते, ये सब जो गिरे हुए ऐसे गिरते रहते हैं। पूह 8 किलोमीटर और कौरिक 85 किलोमीटर। कंडीशन देख रहे हो, इतना दौड़ाया है ना बाइक आज, कुछ मत। तो फाइनली मैं जेवरी पहुंच गया, और आपको याद होगा अभी जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें अंकल जी की मिठाई दुकान में मैंने मिठाई खाई थी और बोला था बहुत अच्छा है, अंकल जी का इंटरव्यू भी लिया था। तो आज उन्हीं के रूम में रुका हूँ, आई मीन उनके होटल में, फर्स्ट क्लास रूम है, दिखाऊंगा सुबह मॉर्निंग में आपको। तो गुड नाइट आज के लिए, आज बहुत मज़ा आया। राहुल भाई कहीं छूटी गए पीछे, फ़ोन में क्या था स्विच ऑफ दिखा रहा है, एक मैसेज डाल दूंगा, अगर वो देखेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ मैं पहुँच गया, या फिर लेट्स सी वो पहुँच जाए तो और अच्छी बात है। गुड नाइट।